प्राचीन भारत का आर्किटेक्चरल डिजाइन का तो कोई जवाब नहीं, जिसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लाजवाब है। आज हम ऐसे ही एक उदाहरण देखेंगे और वो है सन डायन कोणार्क सन टेम्पल की। क्या बात है? कोणार्क सन टेम्पल बना 1250 एडी में, यानी कि आज से लगभग 750 साल पहले, और इसके सनडायल भारत के प्राचीन गुपचुप खजाने की एक महत्वपूर्ण स्थल है। आज भी लोग इसका इस्तेमाल समय बताने के लिए करते हैं। हमें पता है कि सनडायल कैसे काम करता है और समय को मिनट के अनुसार सही दिखाता है। इसमें 8 मुख्य श्रेणी है जो 24 घंटे को 8 बराबर हिस्सों में बांट लेती है, यानी कि 2 मुख्य श्रेणी के बीच समय 3 घंटा है। यहाँ 8 छोटी श्रेणियां भी हैं। हर छोटी श्रेणी बिल्कुल 2 मुख्य श्रेणी के बीच में सटी हुई है। इसका मतलब है कि छोटी श्रेणी 3 घंटे को 2 हिस्सों में बांट लेती है, इसलिए मुख्य श्रेणी और छोटी श्रेणी के बीच का समय 1 घंटा और आधा यानी कि 90 मिनट होता है। इस चक्र के किनारे पर सारी मणि है। हर छोटी श्रेणी और मुख्य श्रेणी के बीच में 30 मणि है। इसका मतलब है कि 90 मिनट को और 30 मणियों में बांट लेती है। इसका अर्थ है कि हर मणि 3 मिनट का समय देता है। इन मणि की साइज काफी बड़ी होती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि छाया मणि के बीच में या मणि के एक किनारे पर गिर रही है। इस तरह से हम समय को और भी सही तरीके से मिनट के हिसाब से निकल सकते हैं। सोचिए कितना समय लगा होगा जो 750 साल पहले ऐसा कुछ बनाया जा सकता था, जहां एस्ट्रोनॉमर, इंजीनियर और स्कल्प्टर ने मिलकर के काम किया। इससे एक व्यक्ति के दिमाग में 2 सवाल आ सकता है। पहला सवाल होगा ये कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ता कैसे है, क्योंकि चक्र के दीवार पर उकीरे दिए गए हैं, तो सूरज इस चक्र पर बिल्कुल भी चमकता नहीं होगा, तो दोपहर में समय कैसे बताया जा सकता है। अब कोणार्क के सूर्य मंदिर में दूसरे एक चक्र के सनडायल भी है जो मंदिर के पश्चिम दिशा में स्थित है। आप बस दूसरे सनडायल के इस्तेमाल कर सकते हैं जो दोपहर से लेकर सूर्यास्त तक बिल्कुल सही से काम करेगा। दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कोणार्क के सूर्य मंदिर को लेकर के ये है, सूर्यास्त के बाद समय कैसे बताया जा सकता है। सूरज नहीं होगा, इसका मतलब सूर्यास्त से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक कोई छाया नहीं होगा। आफ्टर ऑल मंदिर में हमारे पास 2 सनडायल है जो सिर्फ सूरज चमकते समय काम करता है। असल में कोणार्क सूर्य मंदिर के पास सिर्फ 2 ऐसे चक्र नहीं है, मंदिर में कुल मिला के 24 चक्र है जो बिल्कुल सनडायल्स के तरह सही से उकीरे दिए गए हैं। क्या आपने कभी मून डायल्स के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि मून डायल्स रात के समय पे बिल्कुल सूर्य डायल्स के तरह ही काम किया जा सकता है? क्या अगर मंदिर में दूसरे चक्र मून डायल्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या रात के समय में सही समय नहीं बताया जा सकता?